साथियों, दशकों से एक्सपर्ट कहते जा रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश समेत यहां के तमाम क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, लेकिन नामदार परिवार और यहां पर बैठे हुए उनके राग दरबारी तो अपनी सल्तनत को मजबूत करने में जुटे हुए थे, आपकी उनको चिंता नहीं थी। उनको सभी की भलाई से ज्यादा मलाई की चिंता थी। हम आपकी भलाई के लिए काम करते हैं, वो अपनी मलाई के लिए काम करते हैं। अब आप बताइए, आपकी भलाई काम करने वाला आपको नेता चाहिए कि मलाई खाने वाला चाहिए? अब मलाई खाने वालों को आपने विदा कर दिया है, दोबारा घुसने मत देना, वरना ये ऐसे लोग हैं मलाई चौपट कर जाएंगे। गरीबों के सस्ते राशन के साथ इन्होंने क्या किया था याद है ना? गरीबों के राशन के साथ क्या किया था इन्होंने, भूलना मत। गरीबों का राशन कौन खाएगा, खा गया था कौन, खा गया था? अरे जरा जोर से बताइए, देश सुन रहा है, कौन खा गया था, कौन खा गया था? इनकी खाने की ताकत इतनी है, वो केरल में भी खा सकते हैं, अरुणाचल में भी खा सकते हैं, आसाम भी खा सकते हैं। पीडीएस स्कीम में किसको जेल जाना पड़ा? भाई और बहनों, 5 साल का सेवा भाव और 55 साल के सत्ता सुख का फर्क यही होता है। इनकी सरकार दिल्ली में हो या फिर किसी भी राज्य में, कांग्रेस की हमेशा करप्शन से मजबूत सांठगांठ रही है। यही उनका महागठबंधन है जो सबको बांधने वाला फेविकॉल करप्शन है। आपको पता है, यहां इनके जो नेता गरीबों की थाली से निवाला चुराते हैं, उन्हें प्रेरणा कहां से मिलती है? इनकी प्रेरणा है दिल्ली में बैठे वो नेता जो इनकम टैक्स चुराते हैं, किसानों की जमीन चुराते हैं, अखबार चलाने के लिए मुफ्त में दी गई सरकार जमीन से लाखों रुपए किराया कमाते हैं, देश के रक्षा सौदों में दलाली से भी अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, खुद बेल पर है, खुद तो जमानत पर है, कोर्ट ने जमानत दी है, अगर जमानत न मिली होती तो कहां होते, जमानत न मिली होती तो कहां होते? अरे थोड़े में बच गए हो, थोड़े में बच गए हो। और जो बेल पर है, वे चौकीदार को गाली दे रहे हैं। आपको ये गाली मंजूर है क्या? ये गाली मंजूर है क्या? आप भी चौकीदार हैं क्या? आप भी चौकीदार हैं क्या? मेरे साथ बोलिए, मैं भी, मैं भी, मैं भी। साथियों, करप्शन की, दलाली की, गरीबों से गद्दारी की इन लोगों की आदत बहुत पुरानी है और वो इसके आदि बन चुके हैं। इन्हें देश को, देश की जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की पुरानी आदत रही है। इसलिए ये न देश के जवान की चिंता करते हैं और न ही हमारे नौजवान की चिंता करते हैं। इन्हें न तो देश की क्षमता पर विश्वास है और न ही हमारे युवाओं के सामर्थ्य पर भरोसा है।
भारत जब भी बड़ी सफलता हासिल करता है, आप मुझे बताइए, देश कुछ भी अच्छा करे तो आपको आनंद होता है कि नहीं होता है, खुशी होती है कि नहीं होती है? अच्छी खबर सुनने के बाद अपनों को फोन करके आप बताते कि नहीं बताते हैं? कितना गौरव होता है, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, शहर में हो, गांव में हो, गरीब हो, अमीर हो, देश की अच्छी खबर आपको ताकत देती है कि नहीं है, आनंद देती है कि नहीं देती है, उत्साह देती है कि नहीं देती है? लेकिन ये ऐसे लोग हैं, जब देश कोई बड़ी सफलता हासिल करता है तो ये नामदारों और उनके दरबारियों के चेहरे लटक जाते हैं, बस रोना बाकी रह जाता है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक के समय ये खुद देखा है, जब भारत ने आतंकियों को घर में घुस करके मारा तो इनका क्या रवैया रहा, ये भी आपने देखा है। जब हमारे वैज्ञानिक दुनिया को हैरान कर देते हैं तो भी ये उसका मजाक उड़ाने के बहाने खोज लेते हैं। साथियों, जिस बात पर देश गर्व करता है उसी बात पर इन लोगों को दुख होता है। दुनिया में भारत का डंका बजता है तो ये तिलमिला जाते हैं, ये वही भाषा बोलते हैं जो आतंकवादियों के आका बोलते हैं। आज हिंदुस्तान में इनकी पूछ नहीं है, लेकिन ये भी कमाल है, भारत में उनको कोई पूछने वाला नहीं है, पाकिस्तान में इनका जय जयकार हो रहा है, पाकिस्तान के अखबारों में उनकी तस्वीर छप रही है, टीवी पर उनके बयान चमक रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा करोगे क्या? ऐसे लोगों को सजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लोकतंत्र में सजा करने का अधिकार आपका है, सजा करोगे कि नहीं करोगे? जम करके सजा करोगे कि नहीं करोगे? साथियों, उनको एक पड़ोसी देश पर इतना प्यार आ रहा है, इतना प्यार आ रहा है कि अब नॉर्थ ईस्ट नहीं, भारत भी उनको नहीं भा रहा है। एक तरफ देश को बांटने की साजिश रचने वाली ताकतें हैं और दूसरी तरफ देश को सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की ईमानदार कोशिश चौकीदार कर रहा है। एक तरफ देश को लेकर हिंसा का भाव पैदा करने का लगातार प्रयास हो रहा है तो दूसरी तरफ देश के लोगों की उपलब्धि पर हर हिंदुस्तानी गर्व के भाव से भरा हुआ है। अरुणाचल के लोग देख रहे हैं कि कौन किसके साथ है। साथियों, जब दिल्ली पुलिस के स्वाट दस्ते में अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट की बेटियां दिखती हैं तो हमें गर्व होता है। जब यहां की बेटियां एवरेस्ट फतेह करती हैं तो सारे हिंदुस्तान को गर्व होता है।